Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की अपनी श्रृंखला में आज हम आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बातचीत करेंगे आचार्य नरेंद्र देव एक सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता थे चिंतक थे और वो समाजवादी नेताओं में से एक ऐसे नेता थे जिनका मार्क्सवाद पर भरोसा आखिर तक बना रहा हालांकि मार्क्सवाद की उनकी समझ अपनी एक विकसित समझ थी यानी कि वो जो दुनिया के तमाम देशों में मार्क्सवाद की एक समझ चल रही थी खासतौर तो पर सोवियत यूनियन में उससे अलग हटकर विचार कर रहे थे यह बात अवश्य है कि अन्य समाजवादी नेताओं की तरह ही उन पर भी गांधी का प्रभाव पड़ा लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर की कुछ प्रवृत्तियों के गहरे आलोचक भी थे और कभी भी उन्होंने गांधीवाद के प्रभाव में अपने मार्क्सवाद को द्वयम स्थान नहीं दिया बल्कि मार्क्सवाद खासतौर पे जिस तरीके से वो मार्क्सवाद की व्याख्या करते थे उस पर उनकी समझ बनी रही आगे हम ये देखेंगे कि आ, उनका अपना मार्क्सवाद का स्वरूप क्या था और वो किस तरीके से आ, एक भारतीय मार्क्सवाद की परिकल्पना करते थे भारत के विकास के लिए वो कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते थे इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य नरेंद्र देव की जो एक खासियत है वह यह कि वो शायद हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक दौर के अधिकांश राजनेताओं और राजनीतिक चिंतकों की तरह ही शिक्षा अध्यापन और राजनीतिक कार्य इनसे बराबर जुड़े हुए थे अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे ऐसे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हुए हैं जिनकी हमने इस श्रृंखला में भी चर्चा की है जो खुद अध्यापक थे और अगर वो अध्यापक नहीं भी थे तो बड़े पैमाने पर अध्ययन करते थे लेखन करते थे लोगों के साथ शिक्षक के रूप में एक तरह का संवाद करते थे आचार्य नरेंद्र देव भी उसी कड़ी में एक चिंतक के रूप में हमारे सामने आते हैं आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक पूरी चर्चा का स्वरूप रखना चाहूँगा सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय पर ध्यान देंगे इनके लेखन एवं रचनाओं के बारे में एक हल्की समझ बनाने की कोशिश करेंगे उसकी यानी कि हम पूरी पुस्तकों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे जो इनके द्वारा लिखी गई पर कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में ज़रूर आपको जानकारी देंगे आ, नरेंद्र देव के राजनीतिक दर्शन पर जो प्रभावी तत्व हैं यानी जिन तत्वों ने नरेंद्र देव के राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया उनके बारे में हम बातचीत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इनका किस तरह का आलोचनात्मक जुड़ाव था उस पर हम बातचीत करेंगे समाजवादी परिवर्तन और समाजवाद की दिशा में बढ़ने को लेकर इन्होंने किस तरह की एक रूपरेखा प्रस्तुत की उसके बारे में हमारी चर्चा होगी समाजवाद और सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में इनके विचारों का हम मूल्यांकन करेंगे समाजवाद और नैतिकता के प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे और समाजवाद और लोकतंत्र के बारे में और जो एक लोकतांत्रिक समाजवाद की बात इन्होंने कही आ, उस पर हम बातचीत करेंगे और फिर वामपंथी दलों की एकता पर जोर देने संबंधी इनके विचारों पर भी हमारा ध्यान रहेगा और आखिर में हम इनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष के रूप में कुछ बातों को रखेंगे आचार्य नरेंद्र देव भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अठारह में इनका जन्म हुआ था ये पत्रकार साहित्यकार एवं शिक्षाविद थे वे कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख सिद्धांतकार थे आचार्य नरेंद्र देव अध्यापक के रूप में उच्च कोटि के निष्ठावान अध्यापक और महान शिक्षाविद थे काशी विद्यापीठ के आचार्य बनने के बाद से यह उपाधि उनके नाम का ही अंग बन गई यानी कि जब वो काठी काशी विद्यापीठ से जुड़े तब से ही उनके नाम यानी नरेंद्र देव के साथ आचार्य नरेंद्र देव जोड़ दिया गया देश को स्वतंत्र कराने का जुनून उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में खींच लाया भारत की आर्थिक दशा व गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें समाजवादी बना दिया उन्हें भारत में समाजवादी धारा की राजनीति का एक प्रमुख चिंतक माना जाता है आचार्य नरेंद्र देव का जन्म अठारह ईस्वी में कार्तिक शुक्ल अष्टमी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कायस्थ परिवार में हुआ था उनके पिता श्री बलदेव प्रसाद जी अपने समय के बड़े वकीलों में से थे वे धार्मिक वृत्ति के थे कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस के कामों में भी थोड़ी बहुत उनके पिता दिलचस्पी लेते थे इस नाते उपदेशक सन्यासी और पंडित उनके घर आया करते थे इस तरह बचपन में ही स्वामी रामतीर्थ पंडित मदन मोहन मालवीय आदि के संपर्क में आने का मौका उन्हें मिला पिताजी के प्रभाव से आचार्य जी तब उनका नाम अविनाशी लाल था कि मन में भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग उपजा इसी कारण आगे चलकर एम में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली इसके पूर्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बी किया बी पास कर पुरातत्व पढ़ने काशी के क्विंस कॉलेज में आए सन 1913 में उन्होंने एमए पास किया घर वालों ने वकालत पढ़ने का आग्रह किया नरेंद्र देव को वकालत का पेशा पसंद नहीं था किंतु वकालत करते हुए राजनीति में भाग ले सकने की दृष्टि से उन्होंने कानून पढ़ा उनसे 19 1915 से 20 तक पाँच वर्ष फैजाबाद में उन्होंने वकालत की इसी बीच असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद वे यानी कि नरेंद्र देव विद्यापीठ आए प्रयाग में अध्ययन के संबंध में रहते हुए नरेंद्र जीव के विचार पोस्ट में हिंदू बोर्डिंग हाउस उन दिनों उग्र विचारों का केंद्र था नरेंद्र देव वहाँ गर्म दल के विचारों के हो गए 1906 में अपने उग्र विचारधारा अपनाने के बाद जीवन भर उस पर उदृढ़ रहे गर्म दल के होने के कारण 1905 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना छोड़ दिया सन 1916 में जब कांग्रेस में दोनों दलों में मेल हुआ तब तो फिर वे कांग्रेस में आ गए और यह बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि यह जब हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी उनकी उम्र कम थी पंद्रह सोलह साल के एक विद्यार्थी के रूप में वह इन चीज़ों को देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस के भीतर नरम दल की धारा काफ़ी मजबूत है 1916 से 1948 तक नरेंद्र देव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और जवाहरलाल जब अध्यक्ष बने तो उनकी वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे इस संबंध में आचार्य जी ने अपने संस्मरण शीर्षक रेडियो वार्ता में कहा था कि मेरे जीवन में सदा दो प्रवृत्तियाँ रही हैं एक पढ़ने लिखने की और दूसरी राजनीति की और इन दोनों में संघर्ष रहता है यदि दोनों की सुविधा एक साथ मिल जाए तो मुझे बड़ा परितोष रहता है और यह सुविधा मुझे विद्यापीठ में मिली इसी कारण वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है जो विद्यापीठ में व्यतीत हुआ विद्यापीठ में डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में आचार्य नरेंद्र देव ने काम शुरू किया उन्नीस में वे स्वयं अध्यक्ष हुए यहीं पर विद्यार्थियों ने तथा साथी शिक्षकों ने उन्हें आचार्य कहना आरंभ किया जो आगे चलकर उनके नाम से अभिन्न रूप से जुड़ गया इन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह 1932 के आंदोलन तथा 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में साहस के साथ भाग लिया और जेल की यातनाएं सही 1942 में चार महीने तक गांधी जी ने अपने आश्रय में चिकित्सा के लिए उन्हें रखा फिर जब 8 अगस्त बयालीस को गांधी जी ने करो और मरो का प्रस्ताव रखा तो बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के साथ गिरफ्तारी दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1942 से 45 तक वे जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर के किले में बंद रहे उन्नीस में जब में जय उन्होंने जयप्रकाश नारायण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अन्य सहयोगियों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की उन्नीस में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष नरेंद्र देव ही बने कांग्रेस से बाहर आने पर उन्नीस में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो सम्मेलन पटना में हुआ उसकी अध्यक्षता भी नरेंद्र देव ने ही की यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उन्नीस में गठन किया गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के उन नेताओं का एक समूह था जो यह मानती थी कि कांग्रेस को वामपंथी दिशा में ले जाने की जरूरत है यानी कांग्रेस को uh, ऐसे विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है जिससे कि गरीबों का श्रमिकों का मजदूरों का यानी श्रमिक और मजदूर किसान सब ये पूरा जो समूह है उन्हें एक ताकत देने की ज़रूरत है तो श्रमिक और मजदूर तकरीबन एक ही शब्द हुए लेकिन जो समाज वंचित के वंचित तबके हैं उनकी तरफ वो कांग्रेस की नीतियों को मोड़ना चाहते थे वे ज़्यादा रेडिकल कार्यक्रम की ओर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे मिसाल के तौर पर वो भूमि सुधार के कार्यक्रम की ओर कांग्रेस को ले जाना चाहते थे ज़मींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम को वो कांग्रेस के कार्यक्रम में लाना चाहते थे आ, लेकिन हम सब जानते हैं और आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर हर तरह के तत्व थे जिसमें दक्षिणपंथी तत्व भी थे पूंजीपति भी थे पूंजीपति भी लगातार इस आंदोलन को मदद कर रहे थे इसलिए कई बार ऐसा लगता था कि कांग्रेस वैचारिक विभ्रम का शिकार भी बन रही है खास तौर पर उन मुद्दों पर जहां पर मजदूरों किसानों और समाज के वंचित तबकों के हित का सवाल आता था तो फिर कुछ नेताओं ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और इसका लक्ष्य यही था कि कांग्रेस को वामपंथी राजनीति की दिशा में ले जाया जाए और उसमें नरेंद्र देव का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और वो एक वरिष्ठ नेता थे और समाजवादी आंदोलन में उनका वही स्थान रहा है जो एक परिवार में पिता का होता है या व्यक्ति में आत्मा का होता है आचार्य जी मार्क्सवादी समाजवादी थे किंतु भारत में समाजवाद को राष्ट्रीयता और किसानों के सवाल से जोड़ना आचार्य जी की भारतीय समाजवाद को एक स्थायी देन है अपने सहयोगी श्री संपूर्णानंद के आग्रह पर आचार्य जी ने संयुक्त प्रांत के फिर नाम बदल जाने पर उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा समिति की अध्यक्षता की थी और इस संदर्भ में उन्होंने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण लेखन भी किया इस समिति के जरिए कई एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए इसके अलावा संस्कृत वांगमय के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाने पर वे बराबर जोर देते थे बौद्ध दर्शन के अध्ययन में नरेंद्र देव की विशेष रुचि थी आजीवन वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते रहें अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म दर्शन उन्होंने पूरा किया अभिधर्म कोशुबंधु अन्वा, के प्रसिद्ध बौद्ध दर्शन व्याख्या ग्रंथ अभिधर्म कोश का पहला खंड उन्नीस में दूसरा खंड उन्नीस में तथा तीसरा खंड उन्नीस में प्रकाशित हुआ और हम यह कह सकते हैं कि तीनों ही खंड उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए क्योंकि उन्नीस में उनकी मृत्यु हो गई थी पेरुंदुराई के विश्राम काल में उन्होंने 400 शब्दों का व्याख्यात्मक कोष बनाया था किंतु आकस्मिक निधन के कारण यह पूरा ना हो सका आचार्य नरेंद्र देव ने विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका समाज त्रैमासिक जनवाणी मासिक संघर्ष और समाज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया इनमें जो लेख टिप्पणियां वगैरह समय समय पर प्रकाशित हुई उनके संग्रह हैं राष्ट्रीयता और समाजवाद समाजवाद लक्ष्य तथा साधन सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास युद्ध और भारत के किसानों का सवाल आदि अब यहाँ हमें यह बात याद रखने की ज़रूरत है आ, कम से कम नरेंद्र देव के लेखन से यह बात हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि नरेंद्र देव भले ही मार्क्सवादी थे और भले ही उन्होंने आ, उन्हें आ, भारत के सोशलिस्ट पार्टी में एक पितृपुरुष का दर्जा प्राप्त था जो कि मार्क्सवाद की गहरी समझ रखता था और जो राजनीति को भारत में जो सत्ता की नीति थी उसको मार्क्सवादी दिशा पर ले जाना चाहता था किंतु वही व्यक्ति भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण आयामों का गहन अध्येता भी था नरेंद्र देव ने संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा दिया और नरेंद्र देव ने बौद्ध धर्म का न सिर्फ गहन अध्ययन किया बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन से संबंधित कई पुस्तकें लिखी कई पुरानी पुस्तकों का संपादन किया तो इस लिहाज से हम यह देख सकते हैं कि नरेंद्र देव की वैचारिकी ताने, बान, ताने बाने को बनाने में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए तत्वों और मार्क्सवाद दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और जब हम अभी नरेंद्र देव के राजनीतिक दर्शन पर प्रभाव डालने वाले तत्व पर विचार करेंगे तो यह बात और ज़्यादा साफ तरीके से सामने आएगी नरेंद्र देव भारतीय बौद्धिक परंपरा और पश्चिम के समाजवादी चिंतन दोनों से ही प्रभावित थे वे मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे किंतु उन्होंने मानवतावादी मार्क्सवाद पर बल दिया नरेंद्र देव भौतिकवाद तथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से प्रभावित थे लेकिन उन्होंने मार्क्सवाद को भारत की वस्तुनिष्ठ स्थिति के अनुसार समझने पर भी बल दिया वे समाजवादी सांस्कृतिक मूल्यों को आम जनता में फैलाना चाहते थे वे मार्क्सवाद की यांत्रिक व्याख्या से सहमत नहीं थे ऐसी व्याख्या सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आ रही थी यहाँ मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं मार्क्सवाद की यांत्रिक व्याख्या तो इसका अर्थ क्या होता है मार्क्सवाद में अगर आप इस बात की जानकारी रखते हैं मार्क्सवाद के बारे में थोड़े बहुत तो आप इस चीज़ को समझेंगे अन्यथा मैं संक्षेप में इसको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि मार्क्सवाद में यह माना जाता है कि मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर बहुत ज़्यादा जोर देता है और उसके आधार पर इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की गई है जिसमें यह माना गया है कि जो आर्थिक कारक हैं वह मुख्य रूप से इतिहास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उसके आधार पर इतिहास को आदिम साम्यवाद और दास स्वामित्व वाली व्यवस्था तीसरे सामंती व्यवस्था चौथे पूंजीवादी व्यवस्था और पांचवे साम्यवादी व्यवस्था में विभाजित किया गया है और यह कहा गया है कि हर एक व्यवस्था में एक के बाद अगला चरण आता है पूंजीवाद में क्रांति के बाद साम्यवाद की स्थिति आएगी पर उसके बीच में जो श्रमिकों का की तनाशाही की स्थिति है आ, जो डिक्टेटरशिप ऑफ पोलिटेरिएट का स्टेज है वो आएगा फिर समाजवाद आएगा और अंत में साम्यवाद आएगा तो जब हम कहते हैं मार्क्सवाद की यांत्रिक व्याख्या तो इसका अर्थ यह है कि इसमें आर्थिक तत्वों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा और यह तय किया जाने लगा कि अभी किस दिशा में आगे बढ़ना है यह निर्णय करने का अधिकार हमें आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए करना चाहिए और यह विश्लेषण निश्चित रूप से कुछ समूह करेंगे तो जब रूस में क्रांति हुई सोवियत यूनियन का निर्माण हुआ तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी उसने यह जिम्मेदारी ले ली मार्क्स की यांत्रिक व्याख्या जो है जो कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या द्वंदात्मक भौतिकवाद पर आधारित है जिसमें माना जाता है कि जो भौतिक तत्वों में एक द्वंदात्मक प्रवृत्ति होती है यानी कि पहले एक वाद होता है फिर प्रतिवाद फिर संवाद और इस तरीके से जो धारा आगे बढ़ती है वही दुनिया के इतिहास और यथार्थ को समझने की मुख्य धारा है मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके मित्र एंगल्स ने इस बात पर जोर दिया और बाद में बहुत सारे मार्क्सवादियों ने इसी बात पर जोर देना आरंभ कर दिया कि अगर हमें दुनिया में बदलाव करना है तो हमें भौतिक कारकों पर ध्यान देना पड़ेगा और हमें यह समझना पड़ेगा कि जो द्वंद्वात्मक प्रकृति है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है तो इसे मार्क्सवाद की यांत्रिक व्याख्या माना गया मानो कि हर एक स्टेज के बाद एक स्टेज आना ही है और अंत में साम्यवाद की स्थिति आएगी ही और कोई एक ऐसी संस्था कोई एक ऐसा व्यक्ति कोई एक ऐसा समूह कोई एक ऐसा राजनीतिक दल होना चाहिए जो यह बता सके कि आगे का रास्ता कौन सा है और जैसे मैंने पहले कहा कि सोवियत रूस में क्रांति के बाद यह भूमिका सोवियत यूनियन की कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रहण कर ली थी लेकिन नरेंद्र देव इस तरह की मार्क्स से मार्क्सवाद की व्याख्या से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसे अलग हटकर मार्क्स के विचारों की मानवतावादी व्याख्या प्रस्तुत की मार्क्स के अतिरिक्त वे लेनिन रोज़ा लग्जम्बर्ग आदि के लेखन से भी काफ़ी प्रभावित थे इनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने संगठन के महत्व को रेखांकित किया अब लेनिन जो हैं उन्होंने बोलसेविक पार्टी को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने यह विचार दिया था कि एक अगुआ दस्ता होता है हर दल के भीतर जो कि पार्टी को वैचारिक रूप से आगे ले जाने का काम करता है रोज़ा लक्जमबर्ग ने भी जमीनी स्तर पर जो श्रमिकों को, को संगठित करने का काम किया वह काफ़ी महत्वपूर्ण था तो इनके विचारों से प्रेरित होकर नरेंद्र देव को भी यह एहसास हुआ कि अगर समाज में वास्तविक परिवर्तन ले आना है तो मज़दूरों के बीच में आ, जो, या जो समाज में शोषण का सामना कर रहे व्यक्ति हैं उनके बीच में एक तरह का संगठन का निर्माण होना चाहिए इसके साथ ही वे जॉर्ज सोरेल के सिंडिकलिस्ट विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने हड़ताल को संघर्ष के एक साधन के रूप में अपनाया जॉर्ज सोरेल जो थे वो एक एनार्किस्ट विचारक के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो अलग अलग काम को करने वाले लोग हैं अगर वो एक दमन जो पूंजीपतियों का चल रहा है उसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें हड़ताल को एक साधन के रूप में अपनाना चाहिए नरेंद्र जी कॉल कॉट्स की तरह से प्रभावित थे और उनकी तरह मानते थे कि समाजवाद सिर्फ उत्पादन की व्यवस्था नहीं है बल्कि इसका लोकतांत्रिक मूल्यों से अभिन्न संबंध है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है क्योंकि उन्होंने एक तरीके से मार्क्सवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेशन करने की कोशिश की कार्ल कॉर्ट्स की तरह कॉट्सकी की तरह नरेंद्र देव ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया आगे जब हम इन पहलुओं पर वापस विचार करेंगे कि, कि किस तरीके से वो संगठन की बात करते हैं या हड़ताल की बात करते हैं या किसानों की भूमिका की बात करते हैं तब हम फिर से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो वैश्विक स्तर पर एक मार्क्सवाद का विचार विमर्श चल रहा था उसमें नरेंद्र देव ने किस तरह से खुद को एक ऐसी धारा से जोड़ा जहाँ पर जो पूरा परिवर्तन है वह मार्क्सवाद की यांत्रिक व्याख्या से नहीं जुड़ा हुआ था बल्कि वह परिवर्तन मार्क्सवाद की मानवतावादी व्याख्या पर जोड़ देता था और अलग अलग मार्क्सवादियों द्वारा किए गए काम को वह महत्वपूर्ण मानता था यानी कि जो नरेंद्र देव थे वो मार्क्सवाद की मानवती व्या, मानवतावादी व्याख्या पर बल देते हैं लेकिन ऐसा करते हुए वो पूरी तरीके से ए, एक ऐसी स्थिति में नहीं चले जाते हैं जहां पर उनके लिए सामाजिक बदलाव का प्रश्न महत्व अमहत्वपूर्ण हो जाए जैसे बहुत सारे मार्क्सवादी चिंतक जो हैं वो मार्क्सवाद को सिर्फ समाज को समझने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र देव ने कभी भी यह नहीं किया और वो अलग अलग मार्क्सवादी चिंतकों से बहुत सारे तत्वों को ग्रहण करते रहे और इसमें मानवतावाद और लोकतंत्र को के मूल्यों को जोड़ने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका एक आलोचनात्मक जुड़ाव रहा आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस में पूंजीपति वर्ग के प्रभाव को स्वीकार करते थे और यह प्रभाव कई स्तरों पर था और बिरला का काफ़ी नज़दीकी संबंध था और बजाज का भी यानी कि ये जो दो बड़े पूंजीपति थे उस समय देश के उनका गांधी के साथ काफ़ी नज़दीकी जुड़ाव था तो कई लोग इसको एक सामान्य मानवतावादी संबंधों के नज़रिए से भी देखते हैं लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बड़े पूंजीपति या उद्योगपति जो थे ही पर इसके अलावा कई जो जमींदार थे वह भी कांग्रेस के भीतर मौजूद थे उनके अपने वर्ग हित थे वे कांग्रेस को आर्थिक सहायता भी देते थे तो ऐसी स्थिति में उनका एक प्रभाव पार्टी के भीतर था नरेंद्र देव यह मानते थे कि समाजवादियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर किसी वैकल्पिक धारा का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूपरेखा में ही काम करना चाहिए किंतु उन्नीस के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पटना सम्मेलन में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मध्य वर्ग में अपने प्रभाव का विस्तार करना जरूरी है ऐसा करके वे राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार का विस्तार करना चाहते थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों का लगातार समर्थन किया और उसमें भाग लिया उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि कांग्रेस को किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समर्थन करना चाहिए और यह जो एक पहलू है वह असल में एक ऐसी चीज़ थी जो कि कांग्रेस के भीतर जो एक समर्थन आधार था ज़मींदारों का या बड़े पूंजीपतियों का उसके लिए सिरदर्द बनी हुई थी समाजवादी लोग जो थे जिसमें आचार्य नरेंद्र देव सबसे प्रमुख थे वे यह चाहते थे कि कांग्रेस की नीति किसानों और श्रमिकों के पक्ष में हो किसानों के और मजदूरों के संघर्षों के साथ कांग्रेस खड़ी हो और इसलिए इस दिशा में वो लगातार काम कर रहे थे नरेंद्र देव ने दो चीज़ों पर जोर दिया एक तो आज़ादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने इस बात की सख्त मुखालफत की कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अपने आप को एक वैकल्पिक अलग पार्टी के रूप में खड़ी करे वे यह चाहते थे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के भीतर रहते हुए अपने आधार का विस्तार करे मध्य वर्ग में अपने आधार का विस्तार करे उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया और दूसरा कि जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें नरेंद्र देव ने हमेशा भागीदारी करने पर जोर दिया और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस आंदोलन में भागीदारी करके और इस आंदोलन को सफल बनाकर जो समाजवादी लोग हैं वो इसे ज्यादा वामपंथी दिशा में ज्यादा परिवर्तनकारी राजनीति की दिशा में मोड़ सकते हैं यह मैं थोड़ा सा ध्यान आपका दिलाऊंगा एम एन रॉय और लेनिन के बीच में हुए वाद विवाद पर और इस वाद विवाद में जो मुख्य बात हुई थी वह यह कि लेनिन उसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण कर रहे थे जिस तरीके से व्यवहारिक रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का विश्लेषण किया लेनिन यह चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं भारत में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े और उसके भीतर जो राष्ट्रीय बुर्जुआ है उसको और मजबूती प्रदान करने का काम करे जिससे वो उपनिवेशवाद का विरोध करने में समर्थ हो सके हालांकि एम एन रॉय ने इसका विरोध किया और उन्होंने आ, इस तरह की जो कई जो पूरी परिकल्पना थी जो गांधीवादी आंदोलन के भीतर प्रगतिशील तत्व देखने की प्रवृत्ति थी उसको नकारा तो एक तरह की हम साम्यता देख सकते हैं कि जो विश्लेषण लेनिन ने एक स्तर पर गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का किया खासतौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो उस विश्लेषण में और आचार्य नरेंद्र देव के और भारतीय सोशलिस्टों के विश्लेषण में एक साम्यता या एक समानता दिखती है आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी परिवर्तन और समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ उपाय सुझाए नरेंद्र देव ने यह स्वीकार किया कि समाज शोषक और शोषित के रूप में दो भागों में बटा हुआ है लेकिन इनका मानना था कि सिर्फ दो वर्ग बुर्जवा और सर्वहारा ही नहीं है बल्कि इसके साथ ही मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग तथा आम जनता भी है मार्क्सवाद के भीतर कार्ल मार्क्स ने यह माना था कि खासतौर पर पूंजीवाद के भीतर कि दो वर्ग हैं बुर्जुआ और सर्वहारा तो और इसके अलावा मार्क्स का मानना था कि जो अन्य वर्ग हैं धीरे धीरे पूंजीवादी शोषण के कारण वो सब प्रोलिटेरिएट में यानी कि सर्वहारा में तब्दील हो जाएंगे और आखिरकार में ये दो प्रमुख वर्ग बचेंगे लेकिन लेनिन जो थे वो उसमें किसान वर्ग को सम्मिलित करते पर हमारा ध्यान यहाँ नरेंद्र देव पर रहेगा नरेंद्र देव जो है वह कहते हैं कि सिर्फ हमें भारत के संदर्भ में इन्हीं दो वर्गों की, की के यानी कि बुर्जुआ और प्रोलिटेरियट के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करना चाहिए सिर्फ उसे ही नहीं देखना चाहिए बल्कि इसके साथ ही मध्य वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग तथा आम जनता भी हैं नरेंद्र देव इन सबको शोषकों के खिलाफ एकजुट करना चाहते थे समाज में बदलाव के रास्ते के रूप में नरेंद्र देव वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानते हैं भारतीय संदर्भ में औपनिवेशिक शासन के विरोध को उन्होंने तात्कालिक वर्ग संघर्ष का एक महत्वपूर्ण आयाम माना वे मानते थे कि क्रांतिकारी बदलाव की बात करने वाले लोगों का आचरण नैतिक होना चाहिए उन्होंने हिंसक वर्ग संघर्ष के विचार को नकारा उन्होंने अहिंसक वर्ग संघर्ष का समर्थन किया अब यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आ, खुद आचार्य नरेंद्र दो मार्क्सवाद की शब्दावली का इस्तेमाल करने के बावजूद और मार्क्सवाद में एक स्तर तक आस्था रखने के बावजूद उसके कई बुनियादी विचारों से अलग हटते हैं जैसे कि हिंसा के संदर्भ में कार्ल मार्क्स यह बोलते हैं कि जो क्रांति होती है उसमें हिंसा की भूमिका दाई की तरह होती है यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म में जो दाई होती हैं वो एक सहायक की भूमिका निभाती हैं कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर दाई अनुपस्थित हो तब भी बच्चे का जन्म हो सकता है लेकिन वह प्रक्रिया ज़्यादा कष्टप्रद भी हो सकती है तो उसे आसान बनाने का काम आ, दाई का होता है और उसी रूप में कार्ल मार्क्स ने क्रांति में हिंसा की भूमिका को माना था और इसका मतलब यह था कि जरूरत पड़ने पर हिंसा की जा सकती है हिंसा का सहारा लिया जा सकता है इसमें किसी प्रकार के शुद्धतावादी विचार को अपनाने के पक्ष में मार्क्स नहीं थे लेकिन वो निश्चित रूप से बेतरतीब ढंग से होने वाले हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे थे तो जब भी वर्ग संघर्ष की बात आती है वहाँ पर वॉयलेंस या हिंसक माध्यमों के उपयोग की बात भी रहती है लेकिन आचार्य नरेंद्र देव ने अहिंसक वर्ग संघर्ष पर जोर दिया और अहिंसक वर्ग संघर्ष पर जोर देने का मतलब यह है कि इसमें ऐसे साधनों को अपनाया जाए जिन साधनों को अपनाने से अहिंसक तरीके से ही जो शोषक लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं उन्हें मांगों को मजदूरों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके इसमें उन्होंने सत्याग्रह और हड़ताल को एक महत्वपूर्ण साधन माना कांग्रेस के भीतर औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल को लेकर आम सहमति नहीं थी बहुत से नेता चाहते थे कि औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को प्रभावित ना किया जाए लेकिन नरेंद्र देव ने इसे शोषित वर्ग के हथियार के रूप में देखा और इसके प्रयोग पर जोर दिया और उन्होंने वो कई अराजकतावादी चिंतकों के विचारों से भी प्रभावित थे और उन्हें यह लगा कि इसका प्रयोग करके जो शोषित वर्ग है जो श्रमिकों का वर्ग है वह अपनी मांगों को मानने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को मजबूर कर सकता है हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस के भीतर औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित न करने की जो बात थी वह क्यों मौजूद थी तो जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में था जिसमें एक तरफ समाजवादी थे तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी भी थे और पूंजीपति या पूंजीपतियों के समर्थक भी थे तो इनको इनका यह मानना था कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी पूंजीपति वर्ग के हित को हालांकि इसे राष्ट्र के हित से भी जोड़कर देखा गया कि अगर उत्पादन में कमी आएगी तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन मुख्य रूप से इसके पीछे जो चिंता थी वह यह थी कि जो औद्योगिक क्षेत्र के मालिकान लोग हैं जो उद्यो, 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 उद्योग उद्योग उद्योगपति हैं उनके हितों का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो नरेंद्र देव कांग्रेस के कई अन्य नेताओं से अलग जाकर वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि श्रमिकों को यह अधिकार है कि वो हड़ताल करें श्रमिकों को यह अधिकार है कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए कामकाज ठप कर दें श्रमिकों को यह अधिकार है कि वे इस तरह के साधनों के उपयोग के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के सामने अपनी मांगों को रखें लेकिन इसके साथ ही आचार्य नरेंद्र यह साफ करते हैं कि श्रमिकों को हिंसा करने का अधिकार नहीं है उनकी रूपरेखा के भीतर श्रमिक अपनी मांगों को मनाने के मनवाने के लिए हिंसक साधनों का आ, क्या प्रयोग को त्याज्य मानते थे उसे सही नहीं मानते थे तो ये आचार्य नरेंद्र देव का विचार था नरेंद्र देव इस संदर्भ में ट्रेड यूनियन की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानते थे इनका मानना था कि प्रचार और संगठन से वर्गों के भीतर वर्ग चेतना का विकास होता है और इस संदर्भ में भी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं उन्होंने किसानों की को संगठित और शिक्षित करने के लिए किसान सभा की भूमिका को रेखांकित किया यहाँ मैं थोड़ा सा इनके विचारों से और अन्य मार्क्सवादी चिंतकों के विचारों से एक तुलनात्मक रूप से एक परिचय देते हुए आपके सामने कुछ सूत्र रखना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रचार और संगठन और वर्ग चेतना लाने की बात है या वर्ग शिक्षण की बात है इस इस तरह की बातों में एक तरह से वो लेलिन से प्रभावित थे लेलिन ने भी लगातार इस बात पर जोर दिया कि जो एक वर्ग चेतना है उसको लाने का काम एक जो अगुआ दस्ता या जो बुद्धिजीवी वर्ग या जो विचारधारात्मक रूप से ज़्यादा जागृत तबका होता है संगठन के भीतर उसको यह भूमिका निभानी होती है और इस आधार पर ट्रेड यूनियन की भूमिका को वो महत्वपूर्ण मानते हैं और वे यह मानते हैं कि इससे जो अलग अलग मजदूर होते हैं उनके भीतर अपने हितों को लेकर एक तरह की जागृति आती है तो वे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं इस संदर्भ में अगर हम ग्रामसी के लेखन को देखें तो ग्रामसी ने भी एक स्तर पर इस बात को रेखांकित किया है कि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जो आम मजदूर हैं उनके भीतर चेतना जगाने में चेतना का मतलब होता है अपनी वास्तविक स्थिति को वो समझें और अपनी वास्तविक स्थिति यानी कि जो शोषित स्थिति है उसके लिए जो ज़िम्मेदार कारक हैं उनकी वो शिनाख्त करें और फिर वो यह भी महसूस करें कि वो आपस में जुड़कर अपनी मांगों को संगठित होकर रखकर ही अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं तो इस तरह की एक संकल्पना ग्रामसी के लेखन में भी आती है और जो नरेंद्र देव हैं वो ट्रेड यूनियन की भूमिका बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका मजदूरों की भीतर राजनीतिक चेतना भरने की भूमिका इन सब पहलुओं पर लगातार जोर देते हैं और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है कि वो किसानों की भूमिका को स्वीकार करते हैं और उन्हें संगठित और शिक्षित करने के लिए किसान सभा की भूमिका के महत्व को उन्होंने रेखांकित किया यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम मार्क्सवाद के पूरे परिदृश्य को देखें तो उसमें स्टालिन और माओ ने किसानों की बात की खासतौर पे माओ ने तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से किसानों की बलबूते पर ही क्रांति की पूरी संकल्पना गढ़ी लेकिन खुद कार्ल मार्क्स जो हैं वो सीधे तौर पर किसानों की बात नहीं करते हैं बल्कि कार्ल मार्क्स की जो पूरी परिकल्पना है उसमें श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग की बात ज़्यादा प्रमुखता से आती है तो यहाँ पर नरेंद्र देव जो हैं वह बाद के जो मार्क्सवादी सिद्धांतकार हैं उनके करीब जाते हैं और वो भारत की वस्तुनिष्ठ स्थिति के हिसाब से सैद्धांतिकरण करते हैं और वे मानते हैं कि यहाँ पर जो आ, किसान हैं उन्हें भी संगठित करने की ज़रूरत है उनके भीतर भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है उन्हें भी ये बताने की ज़रूरत है कि उनका हित किस तरह के मसलों से जुड़ा हुआ है नरेंद्र जी चाहते थे कि किसानों के बीच जातिवाद सांप्रदायवाद आदि जैसी समस्याओं को दूर किया जाए और उनमें वर्ग चेतना लाई जाए वे किसानों से के जीवन से जुड़े मुद्दों को हल करने पर जोर देते हैं और उन्होंने ज़मींदारी उन्मूलन का समर्थन किया ज़मींदारी उन्मूलन का समर्थन करना एक बहुत ही रेडिकल कदम था कांग्रेस के भीतर जैसा मैंने पहले बताया बहुत सारे जमींदार थे उनके अपने हित थे और वो अपने हितों के माध्यम से कांग्रेस को संचालित करना चाहते थे लेकिन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जिसमें कि खुद आ, नरेंद्र देव भी थे उन्होंने लगातार इस तरह की रेडिकल मांगों को सामने रखा नरेंद्र देव ने समाजवाद और सांस्कृतिक परिवर्तन पर भी जोर दिया नरेंद्र देव मानते थे कि समाजवाद सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं है समाजवाद का लक्ष्य एक समाज में सांस्कृतिक बदलाव करना है एक वर्ग विभाजित समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व होता है लेकिन यहाँ प्रभुत्वशाली वर्ग की संस्कृति का वर्चस्व होता है शोषित वर्ग के लोग भी धीरे धीरे इसे ही वास्तविक मानने लगते हैं और इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करते लेकिन नरेंद्र देव के अनुसार एक ऐसा समय भी आता है जब शोषित वर्ग अपने वर्ग हितों के लिए आवाज़ उठाता है ऐसा तब होता है जब उनके भीतर वर्ग चेतना आ जाती है इसके बाद श्रमिक वर्ग के लोग मौजूदा संरचना के स्थान पर अपनी पसंदीदा सामाजिक संस्कृति तत्वों वाली संरचना को स्थापित करते हैं नरेंद्र देव मानते हैं कि समाजवाद शोषक वर्ग द्वारा कायम रखे जाने वाले पदसुपानी सांस्कृतिक संरचना का विरोध करता है यह आम लोगों की सांस्कृतिक मांगों को पूरा करने पर ध्यान देता है वे ऐसे समाजवाद की कल्पना करते हैं जिसमें पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजवादी प्रवृत्ति और भारत की मानवतावादी परंपरा का मेल होगा यह विविधता का सम्मान करेगी इसमें सभी अल्पसं अल्पसंख्यक समूहों को भी अपने धर्म भाषा और परंपरा के अनुरूप जीवन यापन करने का हक होगा लेकिन इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि सभी बच्चों को राज्य की भाषा और आधिकारिक भाषा सीखनी होगी ताकि वे जिम्मेदार नागरिक की रचनात्मक भूमिका निभा सकें वे मानते हैं कि भारत में हिंदी एक साझा भाषा के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए और अन्य भाषाओं को भी मान्यता मिलनी चाहिए इसके अलावा समाजवादी संस्कृति के संरचना में श्रम और संस्कृति के बीच में संतुलन और सहसंबंध कायम रखा जाएगा उन्होंने आदिवासी जनसंख्या को देश की संस्कृति से जोड़ने का पक्ष लिया किंतु उन्होंने उन उन्हों पर बाहर से संस्कृति को थोपने का विरोध किया वे चाहते थे कि उनकी संस्कृति और देश की संस्कृति के बीच एक जुड़ाव कायम हो और वे भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें वे स्थानीय परिषदों के माध्यम से शासन चलाने के पक्षधर थे इन परिषदों के माध्यम से ही वे वहाँ उत्पादन के आधुनिक तकनीकों को लागू करवाना चाहते थे इसके अलावा वे मानते थे कि ऐसी स्थिति में जेंडर समानतों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए हम ये बात ज़रूर समझें कि जो एक सांस्कृतिक बदलाव की बात नरेंद्र देव कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की उसमें एक जो पूरा तत्व है वह इस बात को लेकर है कि जो समाजवाद की भावना है उसमें लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है लेकिन हमें मार्क्सवाद के भीतर और कई रोचक उदाहरण मिल जाएंगे और वहाँ के जो उदाहरण है वो नरेंद्र देव के जीवन के बाद आए मिसाल के तौर पर चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन की जो पूरी बात आई उसमें यह माना गया कि जो लोग हैं उन्हें समाजवाद के मूल्यों को मानने के लिए प्रेरित किया जाए अधिकांश मामलों में उन्हें बाध्य भी किया गया और फिर उसमें हिंसा का सहारा भी लिया गया लेकिन जिस रूप में सांस्कृतिक परिवर्तन की बात नरेंद्र देव करते हैं और वो समाजवाद के सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोकतांत्रिक संवादी और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है यानी कि वे यह नहीं कहते हैं कि राज्य सत्ता के बल पर लोगों को धमकाकर, डराकर, उन्हें समाजवाद के मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाए मजबूर किया जाए बल्कि वे यह कहते हैं कि जो एक वर्ग विभाजित समाज होता है उसमें तो पहले से ही जो प्रभुत्वशाली वर्ग होता है उसी के विचारों विचार हावी रहते हैं और यह विचार भी काफ़ी हद तक ग्रामसी के जो हैज़मनी का विचार है उससे मिलता जुलता है ग्रामसी भी इसी बात को सामने रखते हैं कि जो सांस्कृतिक रूपक होते हैं प्रभुत्वशाली वर्ग का उन्हीं का दबदबा समाज में होता है तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए नरेंद्र देव का जोर इस बात पर है कि जो शोषित तबके हैं वो भी धीरे धीरे अपनी आवाज़ उठाते हैं और वो जो हरारकी पर आधारित प्रभुत्वशाली वर्गों के सांस्कृतिक संरचना उसका विरोध शुरू करते हैं और ऐसे में धीरे धीरे करके वो समाजवादी मूल्य की स्थापना की ओर बढ़ते हैं तो वो एक तरीके से एक वैचारिक स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया को लाने की तरफ आगे बढ़ते हैं और नरेंद्र देव इसे एक बुद्धिजीवियों के द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया शिक्षा के द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और वो इसमें हिंसक साधनों के प्रयोग की किसी भी स्तर पर तरफदारी नहीं करते हैं तो ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है लेकिन वो जिन समाजवादी मूल्यों की बात करते हैं वो और भी ज़्यादा रोचक है और इसमें ये है बात है कि इसमें विविधता का सम्मान है इसमें सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म परंपरा और भाषा के अनुरूप जीवन यापन करने का अधिकार है ठीक है तो ये जहाँ एक अंतर है आ, माओ के हिसाब के तुलना में चीन की तुलना में या अन्य देश जो समाजवाद के को जिन्होंने अपनाया वहाँ पर एक निषेध की भावना थी धर्म को लेकर राज्य के द्वारा हर एक चीज को थोपने की बात थी कि राज्य ने एक तरह के मूल्यों को स्थापित कर दिया है जो मार्क्सवादी मूल्य और सब लोग उसको मानेंगे पर इसके विपरीत नरेंद्र दो जिस तरह की एक समाजवादी मूल्यों की कल्पना करते हैं वह संवादी तरीके से आगे बढ़ता है हर तरह की विविधता को सम्मान देने की बात करते हैं अल्प अल्पसंख्यक समूहों को बराबर अधिकार देने की बात करते हैं और भाषा के संदर्भ में भी वो बहुत ही रोचक विचार प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि हर किसी की जो शिक्षा है और जो उनके भाषा का अधिकार है वो महत्वपूर्ण है वो उन्हें दिया जाना चाहिए लेकिन वो सभी बच्चों को राज्य की भाषा और आधिकारिक भाषा सीखने की बात करते हैं और भारतीय संदर्भ में वो हिंदी को ऐसी भाषा मानते हैं जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं लेकिन आ, इस हिंदी को साझा भाषा मानने का मतलब यह नहीं है कि वे अन्य भाषाओं को मान्यता देने के पक्ष में नहीं हैं बल्कि वे अन्य सभी भाषाओं को मान्यता देने की बात भी करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी तरफ नरेंद्र देव एक इशारा करते हैं एक भाषा थोपने की बात नहीं है पर फिर भी हिंदी के प्रसार की बात है आदिवासियों के संदर्भ में भी उनकी जो उनके जो विचार हैं वह काफ़ी रोचक हैं क्योंकि आदिवासियों के संदर्भ में वो ये विचार रखते हैं कि उन्हें जो मुख्यधारा का समाज है उससे जोड़ने की कोशिश उन्हें होनी चाहिए लेकिन ऐसा करते वक्त कभी भी यह कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो उनकी अपनी संस्कृति है उसको आ, कोई नुकसान पहुँचे और ऐसा वो चाहते हैं कि आ, एक जुड़ाव कायम हो और जो आदिवासी समाज है वो भी प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें और वो यहाँ तक कहते हैं कि एक स्थानीय परिषद होना चाहिए जिसके माध्यम से वहाँ प्रशासन चले और इन परिषदों के माध्यम से ही यहाँ उत्पादन की तकनीकों को लागू किया जाए अगर आप अपने संविधान को देखेंगे तो वहाँ पर जो छठी अनुसूची और पाँचवीं अनुसूची की व्यवस्था है और उसमें जिस तरीके के प्रावधान लागू किए गए हैं उसमें वही सारी बातें परिलक्षित होती हैं जिसकी बात नरेंद्र देव कह रहे हैं हालांकि व्यवहार में वो कितना लागू हो रहा है वो एक अलग मसला है और वो एक अलग वाद विवाद का इशू है जिस पर अभी हम नहीं जाएंगे लेकिन छठी अनुसूची जो उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए है चार राज्यों के लिए उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की व्यवस्था है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की मदद से जो वहाँ के लोग होते हैं वो संसाधनों के बारे में अपनी परंपराओं के बारे में फ़ैसला करते हैं इसी तरीके से जो पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र है जो कि उत्तर पूर्व के अलावे देश के दस राज्यों के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं उसको न, उसमें शामिल किया गया है वहाँ पर पेशा कानून लागू है और पेशा कानून के माध्यम से वहाँ की जो ग्राम सभाएँ हैं उनको यह अधिकार है कि वो विकास के बारे में फैसला करें वो यह फैसला करें कि भूमि वो किसी विकास कार्य के लिए देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं और भी कई तरह के प्रमुख अधिकार उनको दिए गए हैं तो जिस तरीके से स्थानीय परिषदों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का विचार आचार्य नरेंद्र देव रखते हैं वैसा हम अपने संविधान में भी देख सकते हैं और इसके अलावा वे इस बात पर जोर देते हैं कि जेंडर समानता होनी चाहिए तो ये जो समाजवादी मूल्यों का के बारे में और उसके प्रसार के बारे में जो उनका विचार है वह जो मार्क्सवाद के भीतर आ, जो और तरह की धाराएं मौजूद रही हैं उनसे अलग है यह ज़्यादा लोकतांत्रिक और संवादी रूपरेखा है आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवाद और नैतिकता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया नरेंद्र देव का यह मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में मनुष्य अपनी नैतिकता का विकास करते हैं इसमें उनके अपने विकास और समाज के कल्याण दोनों के बीच में अन्योन्याश्रित संबंध होता है एक सही और उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था के भीतर ही व्यक्तियों के नैतिक गुणों का विकास हो सकता है वे यह मानते हैं कि समाज में मौजूद नैतिक मूल्य प्रभुत्वशाली वर्ग के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वर्ग विभाजित समाज में श्रमिक और पूंजीपति वर्ग के मूल्यों के टकराव से एक वैकल्पिक नैतिक मूल्य व्यवस्था का विकास होता है वे यह मानते हैं कि समाज में समाजवादी परिवर्तन चाहने वाले लोग अनैतिकता दमन और शोषण का विरोध करेंगे वे एक ऐसी नैतिकता का विकास करेंगे जिसमें आत्म अनुशासन और आत्म आलोचना सम्मिलित हो हम इन दो शब्दों को नैतिकता के बारे में नरेंद्र देव की धारणा की कुंजी मान सकते हैं आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म आलोचना यानी कि सेल्फ क्रिटिसिज्म नरेंद्र देव के अनुसार ऐसे मूल्यों से जुड़कर हर समाजवादी को खुद को समाज कल्याण के काम में समर्पित कर देना चाहिए समाजवादी नैतिकता में लोकतांत्रिक मूल्यों संस्कृति और प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है यहाँ हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता समानता और कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है इसके बाद हम समाजवाद और लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में नरेंद्र देव के विचारों पर ध्यान देंगे नरेंद्र देव यह मानते थे कि सच्चा समाजवाद आर्थिक आज़ादी को सुनिश्चित करता है यह व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है यह लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है उनके अनुसार आर्थिक समानता के बगैर लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा और लोकतंत्र के अभाव में समाजवाद बांझ हो जाएगा नरेंद्र देव पूंजीवादी व्यवस्था के लोकतंत्र को एक दिखावा मानते थे पूंजीवादी लोकतंत्र में आर्थिक समानता और आम जनता की आर्थिक मुक्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता है नरेंद्र देव का यह भी मानना था कि मार्क्सवादी विचारधारा लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत नहीं है लोकतंत्र और मार्क्सवाद मनुष्यों की मुक्ति का समर्थन करते हैं मार्क्सवादी साम्यवाद लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है मार्क्सवादी साम्यवाद का जो पूरा सिद्धांत है आ, उस पर जाने से पहले और नरेंद्र देव के विचारों पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बातें आपके सामने और साफ कर देना चाहता हूँ एक बात तो यह है कि मार्क्सवाद के भीतर लोकतंत्र को नकारा नहीं किया लेकिन पश्चिमी लोकतंत्र को जो पूंजीवाद के साथ जुड़ी जुड़ा हुआ था उसको एक दिखावा माना गया यह कहा गया कि इस तरह से जो पूंजीवाद के भीतर जो व्यवस्था होती है उसमें नागरिक अधिकारों की बात व्यक्तिगत अधिकारों की बात यह सब एक दिखावा होता है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि पूंजीपति वर्ग शोषण का काम अच्छे तरीके से करता रहे तो जब तो मार्क्सवाद यह के भीतर या मार्क्स द्वारा यह माना गया कि अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य तो साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए और वहाँ पर ही व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अपने जीवन का यापन कर सकते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर या एक सुखद व्यवस्था के भीतर अब जब क्रांति हुई कुछ देशों में मिसाल के तौर पर सोवियत यूनियन में तो वहाँ पर लोकतंत्र को उस तरीके से लागू नहीं किया गया जैसे कि पश्चिमी देशों में होता है यानी कि चुनाव होते हैं यानी चुनाव के बाद प्रतिनिधि आते हैं प्रतिनिधि फिर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या फिर राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है बल्कि वहाँ पर एक अलग सिद्धांत का विकास लेनिन के द्वारा किया गया जिसको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म या लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहा गया जिसमें यह कहा गया कि नीचे से पार्टी के भीतर लोग जो है अपने प्रतिनिधियों का चुने का चुनाव करेंगे फिर यानी एक स्तर उदाहरण के तौर पर शहर का स्तर जो है जिला के स्तर के लिए प्रतिनिधि चुनेगा फिर जिला के सारे प्रतिनिधि मिलकर राज्य के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे फिर राज्यों के सारे प्रतिनिधि मिलकर केंद्र स्तर पर के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे जो कि पॉलिट ब्यूरो का निर्माण करेगा तो यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई प्रतिनिधि चुने गए हैं और फिर पॉलिट ब्यूरो के द्वारा जो डिसीज़न लिया जाएगा वह पूरी तरह से पार्टी पर लागू होगा और अगर वह सरकार के रूप में काम कर रही है तो सरकार में भी इसी तरीके से प्रतिनिधि चुने जाएंगे और फिर शासन संचालित होगा तो यहाँ पर जो नागरिकों के अधिकार थे उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और उनको एक तरीके से उनकी अवहेलना हुई व्यवहारिक स्तर पर चाहे हम किसी भी क्रांति के बाद के मार्क्सवादी देश को देख लें नरेंद्र देव जो हैं वह जिस रूप में मार्क्सवाद की परिकल्पना करते हैं उसे वो मानते हैं कि वो लोकतंत्र से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और वे कहते हैं कि वो जिस रूप में लोकतंत्र को देखते हैं वो मार्क्सवाद के साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार है मार्क्सवाद की साम्यवादी व्यवस्था के बारे में खुद मार्क्स ने बहुत विस्तार में नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एक जब यह व्यवस्था आएगी चूंकि यह व्यवस्था कभी आई नहीं तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से मिलेगा किसी भी व्यक्ति को मजबूरन काम नहीं करना पड़ेगा वह कुछ देर तक अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और बाकी समय वह उस काम को करेगा जिस काम को करने में उसकी रुचि है मिसाल के तौर पर वो कुछ समय तक काम करता है उसके बाद वह मछली पकड़ने पेंटिंग करने इस तरह के कामों में जा सकता है वहाँ पर किसी तरीके का फोर्स रिलेशनशिप नहीं होगा लोग स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे एक दूसरे के साथ रहेंगे परिवारों के रूप में रह सकते हैं या परिवारों के बगैर भी इसके अलावा यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर किसी के हाथों में संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको नरेंद्र देव लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर मानते हैं कि हासिल किया जा सकता है और वे चाहते हैं कि एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो जिसमें लोकता लोकतांत्रिक मूल्य सन्निहित हों उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के एक मॉडल का विकास किया उनके अनुसार समाजवाद समाज की पशुपानीय संरचना का विरोध करता है पशुपानीय संरचना का मतलब हैरार्किकल स्ट्रक्चर ऊंच नीच की व्यवस्था और समाजवाद का विचार सामंतवाद पूंजीवाद यह किसी विशेषाधिकार प्राप्त समूह के वर्चस्व को नकारता है समाजवाद विदेशी प्रभुत्व का भी विरोध करता है यह हर व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है इसमें सभी सामाजिक संबंधों का लोकतंत्रीकरण होता है लोकतांत्रिक समाजवाद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की स्वायत्तता का समर्थन करता है नरेंद्र देव यह रेखांकित करते हैं कि श्रमिक वर्ग का समाज और अर्थव्यवस्था में सत्ता के केंद्र पर नियंत्रण होगा ऐसे समाज में सत्ता और कर्तव्यों का विकेंद्रीकरण होगा और यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्क्सवाद में अपनी आस्था के बावजूद वो डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं सिर्फ कर्तव्यों का नहीं बल्कि सत्ता का भी और हमें यह बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि कम्यून की बात तो कम्युनिज़्म या मार्क्सवाद में भी आती है लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जब मार्क्सवाद को लागू किया गया तो वह केंद्रीकरण की एक व्यवस्था के रूप में ही सामने आया था लेकिन नरेंद्र देव जिस रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद की कल्पना करते हैं उसमें वे विकेंद्रीकरण को प्रमुख स्थान देते हैं वे कहते हैं कि इस तरह के लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था में हर व्यक्ति के शारीरिक मानसिक और नैतिक समृद्धि को सुनिश्चित किया जाएगा उनके अनुसार यदि व्यक्ति समूह या वर्ग राज्य सत्ता और समाज पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है तो व्यक्ति को उसका प्रतिरोध करने और यहाँ तक कि उसके खिलाफ विद्रोह करने का भी अधिकार है वे स्वीकार करते हैं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतांत्रिक आदर्शों को स्वीकार किया जाना चाहिए वे भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों समाज और समाजवादी संरचना के आधार पर भारत व्यवस्था की पुनर्रचना करना चाहते थे तो ये जो एक पूरी व्यवस्था है जिसकी बात नरेंद्र देव ने की वो वह विकेंद्रीकरण पर आधारित है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करने पर आधारित है वह आर्थिक समानता पर आधारित है और उसमें जो हर व्यक्ति है उसके कर्तव्य और अधिकारों को निर्धारित किया गया है हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार भी दिया गया है कि यदि एक व्यक्ति एक समूह सत्ता पर अधिकार करके उसके अधिकारों का दमन करना चाहता है तो वो उसके खिलाफ विरोध करे तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक आ, ऐसी लोकतांत्रिक समाजवाद की रूपरेखा नरेंद्र देव प्रस्तुत करते हैं जो जिसमें लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के मूल्य हैं लेकिन दोनों की जो प्रचलित खामियां हैं वो उसमें नहीं हैं यानी कि लोकतंत्र पर पूंजीपतियों के आधिपत्य का जो एक आरोप लगता है वह उसको उससे दूर करना चाहते हैं सत्ता के केंद्रीकरण को उससे दूर करना चाहते हैं और विकेंद्रित रूप में एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हों और सत्ता पर उसका नियंत्रण हो और उसके पास कुछ बुनियादी संसाधन भी हों हालांकि हम ये कह सकते हैं कि एक यूटीपीआई ख्याल ज्यादा है वैचारिक स्तर पर लागू करने में कई तरह की कठिनाइयाँ होंगी पर वो एक मॉडल देते हैं जिसकी दिशा में वो आगे बढ़ाने जिसकी दिशा में राजनीति करने का प्रयास वो करते हैं वो एक एजेंडा भी सोशलिस्टों को प्रदान करते हैं एक महत्वपूर्ण बात जो नरेंद्र देव के लेखन में सामने आती है वह यह है कि वामपंथी दलों में एकता होनी चाहिए नरेंद्र देव ने सभी वामपंथियों अर्थात समाजवादी और, और कम्युनिस्टों की एकता पर जोर दिया उनके अनुसार वाम शक्तियों का बिखराव पूरी दुनिया की एक समस्या है भारत में भी यह प्रवृत्ति मौजूद है लेकिन ये समूह अलग अलग रहकर अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते नरेंद्र देव ने इन दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने पर जोर दिया साथ ही एकता स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने पर जोर दिया हम हालांकि ये जानते हैं कि कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के बीच क्या खुद सोशलिस्टों के बीच में हमारे देश में एकता नहीं रही है और बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति रही है कम्युनिस्टों में भी काफ़ी ज़्यादा बिखराव की स्थिति रही है तो नरेंद्र देव का जोर इस पर था की जिस तरीके के व्यापक समाजवादी कार्यक्रम की बात सोशलिस्ट लोग तो कर रहे हैं अगर उन्हें वास्तव में इसे लागू करना है लागू करवाना है उस दिशा में देश को आगे ले जाना है तो उसके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि सारी वामपंथी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ें और एक दूसरे के साथ जुड़कर इस दिशा में काम करें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र देव ने मार्क्सवाद का एक तरीके से भारतीय संस्करण तैयार करने की कोशिश की और जिस रूप में वो मार्क्सवाद का प्रयोग करते हुए एक लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा प्रस्तुत करते हैं उस रूप में उनका मार्क्सवाद का जो भारतीय संस्करण तैयार हो रहा है वह मार्क्सवाद की उन बहुत सारी खामियों से बच जाता है उन बहुत सारी आलोचनाओं से बच जाता है जो बाद के वर्षों में मार्क्सवाद की आलोचनाओं के रूप में सामने आई सोवियत यूनियन में क्रांति के बाद से ही मार्क्सवाद की कई आलोचनाएं सामने आने लगी थी कि किस तरीके से इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने की जो प्रवृत्ति है उसको मजबूती मिल रही है किस तरीके से यह एक व्यक्ति या एक समूह की सत्ता में परिवर्तन होता गया है और मार्क्सवाद और कुछ नहीं कर रहा है बल्कि इस तरह की प्रवृत्ति को एक वैधता प्रदान कर रहा है लेकिन जिस रूप में इन्होंने यानी कि नरेंद्र देव ने इस चीज़ को अपनाया वह काफ़ी हद तक इन आलोचनाओं से दूर चला जाता है लेकिन आ, कुछ ऐसी ऐसे पहलू हैं जिसको आ, समझने में हम कह सकते हैं कि नरेंद्र देव बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए मिसाल के तौर पर पहली बात तो यही है कि संस्कृति पर वो जिस जोर दे रहे हैं उसमें वो संस्कृति के जो नकारात्मक पहलू हैं उनको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं या उस तरफ उनका ध्यान कम जा रहा है निश्चित रूप से संस्कृति मनुष्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है लेकिन उसके प्रति ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है क्योंकि जिसे वो श्रमिक वर्ग की संस्कृति कह रहे हैं और जिसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसमें भी सारे पहलू बहुत श्रेयस्कर हों इस, इसकी कोई गारंटी नहीं है उसमें भी कई सारे ऐसे पहलू हो सकते हैं जो दूसरे स्तर पर अपने से अलग संस्कृति वालों के दमन का हथियार बन जाए मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि नरेंद्र देव पूरे समाज को श्रमिकों पूंजीपतियों किसानों ज़मींदारों इस तरह के वर्ग के आधार पर देख रहे हैं और उस आधार पर वो संस्कृति की भी बात कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि हमारे देश की राजनीति जैसे आगे बढ़ी है उसमें संस्कृति को देखने के अन्य कई तरीके भी विकसित हुए हैं बल्कि वही तरीके प्रमुख तरीके हो गए हैं यानी अलग अलग धर्मों की संस्कृतियों की बात की जाती है उसके आधार पर विभाजन किया जाता है समाज में तो इस तरीके के जो खतरे हैं उसके प्रति नरेंद्र देव बहुत सचेत नहीं लगते हैं और यह खतरा जो संस्कृति को पर अत्यधिक जोर देने से सामने आ सकता है कि एक समूह जो एक स्तर पर शोषित हो सकता है मिसाल के तौर पर आर्थिक स्तर पर तो पर दूसरे स्तर पर वो शोषक भी हो सकता है क्योंकि वो बहुसंख्यक है उसके खतरे को समझने में नरेंद्र देव नाकाम रहे जो दूसरी बात है वह इसी पहलू से जुड़ी हुई है कि नरेंद्र देव के लेखन में और उनके विचारों में वर्ग शब्द जो है वो बहुतायत मात्रा में आता है लेकिन उसी मात्रा में या उससे बहुत थोड़े कम मात्रा में भी वो अलग अलग पहचानों की बात नहीं कर पाते हैं आदिवासियों की बात वो करते हैं लेकिन वो श्रमिकों की बात करते हुए दलितों की बात नहीं करते हैं पिछड़ी जातियों की बात नहीं करते हैं और यह जो ये जो पहचान है कई बार जो समूह हैं जो वंचित समूह हैं वो उन्हें अपने ज़्यादा नज़दीक लगती हैं क्योंकि जो जाति है वह भी उनके लिए शोषण का आधार है लेकिन नरेंद्र देव के चिंतन में नरेंद्र देव के लेखन में वर्ग की अवधारणा की प्रमुखता ने इस पहलू की एक तरह से उपेक्षा की है तीसरे स्तर पर हम यह कह सकते हैं कि जिस रूप में वो मार्क्सवाद को प्रस्तुत करते हैं उससे कई बार ऐसा लगता है कि वो मार्क्सवाद के मूल तत्वों को नकार रहे हैं हालांकि वो बार बार मार्क्सवादी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्क्स के विचारों को उद्धृत कर रहे हैं लेकिन मिसाल के तौर पर अहिंसा पर जरूरत से ज़्यादा जोर देने से ऐसा कहा जा सकता है कि मार्क्सवाद का जो मूल तत्व है क्रांति वह पीछे चला जाता है उसी तरीके से वह इस बात पर जोर देते हैं कि जो संस्कृति का पहलू है या जो लोकतंत्र का पहलू है वह किसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो यह भी जो एक आर्थिक पहलू जिसकी पर बार बार कार्ल मार्क्स जोर देते थे जिसके प्रधानता की बात करते थे उसको पीछे छोड़ने की तरह है तो कई बार ऐसा लगता है कि मार्क्सवाद के मूल तत्वों को नकारते हैं अंतिम बात यह है कि नरेंद्र देव ने वाम एकता पर तो काफ़ी जोर दिया अपने लेखन में लेकिन वास्तव में वो इसे स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए और यहाँ तक कि उनके जीवन काल में ही जो उनकी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी वो कई धड़ों में बटी पर उसे रोकने में नरेंद्र देव नाकाम रहे बाकी जो दूसरे वाम दल थे उन्हें जोड़ने के बाद तो बहुत दूर की कौड़ी है वो खुद सोशलिस्ट पार्टी में भी व्यवहारिक स्तर पर इस तरह के विभाजन को जोड़ने में नाकाम रहे लेकिन इन आलोचनात्मक बिंदुओं के बावजूद भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि नरेंद्र देव एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को वामपंथी दिशा में मोड़ने की कोशिश की वामपंथी दिशा में मोड़ने का अर्थ यहाँ पर यह है उन्होंने भारतीय राजनीति को शोषितों वंचितों और जो श्रमिक वर्ग किसान वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में मोड़ने की कोशिश की उन्होंने भारतीय राजनीति को एक रेडिकल एजेंडा देने की कोशिश की भूमि पुनर्वितरण की बात की श्रमिकों के संस्कृति की बात की राजनीति में नैतिकता पर उन्होंने जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि हमें जो जमीनी स्तर पर जो लोग हैं उन्हें शक्ति देने की जरूरत है विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है तो इस आधार पर वो एक ऐसे राजनीतिक चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने देश में लोकतंत्र के विकास के लिए एक वैकल्पिक एजेंडा प्रस्तुत करने का काम किया मैं आचार्य नरेंद्र देव के बारे में अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि इस चर्चा से आप आचार्य नरेंद्र देव के जीवन और लेखन और उनके विचारों के कुछ महत्वपूर्ण आयामों से जरूर परिचित हो पाए होंगे और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आगे, आगे आप इनके विचारों के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करेंगे आज के इस एपिसोड को मैं यही समाप्त करता हूँ अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे नमस्कार